अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. वेलकम टू एम्बाइब एसएससीएम रेलवे एप्लीकेशन क्लास. और आज का चैप्टर सिंबल एंड नोटेशन एंड एज बेस्ड प्रॉब्लम्स है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यानी कि आज का जो रीजनिंग है वो रीजनिंग का मैथ्स है, यानी कि इसमें मैथ्स का काम होगा. तो क्या क्या चीजें यूज होंगी, क्या होगा, वो सब हम लोग देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गुड आफ्टरनून कुणाल. सो प्रीवियस क्लास की बात करें जरा, देखें. तो कुछ लोगों ने वीडियोस देखी है, टाइम स्पेंड किया है वीडियोस पे, टाइम स्पेंड किया है. बाकी टोटल और इम्प्रूवमेंट का परसेंटेज 87 स्टूडेंट का, 81 स्टूडेंट का है, और 13 पूर्णिमा. ओके, बाकी एक्टिविटीज नहीं करते हो. चलिए आते हैं हम. तो आपका लक्ष्य फाउंडेशन बैच 22 मई से ऑलरेडी चल रहा है, और इसमें हमारा जो है रेलवे का भी बैच कवर हो जाता है. यानी आप जो यहाँ पढ़ रहे हो इसमें आप एसएससी एंड रेलवे एक्चुअली में दोनों पढ़ पा रहे हो. बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो तो उसके लिए 3 मंथ्स के लिए 599, 1 ईयर के लिए 499 पर मंथ, और 1 मंथ के लिए 699 पर मंथ है. बाकी ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनलॉक 20 यूज करने पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है. तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे. एक वैलिडेटिंग क्वेश्चन हम लोग पहले करते हैं, दो तीन उसके बाद आते हैं. अब यहाँ जैसे आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स एंड टू साइंस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू रिस्पेक्टिवली. अच्छा, वैल्यू चेंज करना है. जैसे दो इक्वेशन दे दिया, एक साथ दिया है, मतलब दो क्वेश्चन को आपको एक साथ दिया हुआ है एक तरह से. ये पहला इक्वेशन, इसमें इनटू और प्लस की जगह चेंज कर लो, और 3 और 9 की जगह चेंज कर लो, इंटरचेंज कर लो, तो देखो क्या आंसर आ रहा है. फिर ऐसे दूसरे वाले के साथ करो, क्या आंसर आ रहा है. फिर ऑप्शंस है आपके सामने, मार्क करो, देखो एक बार. क्यों, क्या हुआ खुना? जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो बैच खत्म हो जाएगा, फिर नया बैच स्टार्ट होगा. और क्या, सिलेबस पूरा होने से पहले तो सिलेबस पूरा हो जाएगा, बस बैच खत्म. एसएससी के तो रीजनिंग तो वैसे भी बहुत कम होता है, रीजनिंग की तो क्लास ऐसे भी बहुत कम होती है ना, एसएससी में ज्यादा नहीं होती है, बैंक में होती है रीजनिंग बहुत, बट एसएससी की रीजनिंग बहुत कम है. अब उसके बाद वाली वीक की अभी थोड़ी आएगी अपडेट, अभी तो नेक्स्ट वीक की अपडेट दिख रही है ना, उसके बाद दिखेगी. रॉन्ग हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है इसमें. आपने बॉड मास सुना होगा मैथ्स में, बॉड मास, ये चैप्टर बॉड मास पे है. बस ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, तो पहले बीओ का मतलब होता है ब्रैकेट ओपन, डी का मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ये जिस सीक्वेंस में वही चीज आपको पहले करनी होती है. जैसे हमको इन्होंने बोला है 3 और 9 को इंटरचेंज करना है, इनटू और प्लस को इंटरचेंज करना है. ठीक है, तो मतलब क्या होगा, 7 प्लस 3 माइनस 8 डिवाइड 2 इंटू 9, ये बनेगा. अब सॉल्व करने के लिए पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना है. डिवाइड करेंगे तो पहले क्या आएगा, 4 9 4 36 माइनस है 7 3 10. ठीक है, 10 में से 36 गया तो कितना बचा, 26, -26. तो पहले वाली इक्वेशन से हमें -26 मिला. ऐसे ऑप्शन से देखोगे, अगर पहले का सॉल्व आपको मिल गया, -26 और किसी में है नहीं, नन ऑफ दिस होता ही नहीं है, तो आंसर भी आप ऐसे भी मार्क कर सकते थे. ठीक है, दूसरा सॉल्व करते हैं. देखो 9 और 3 को इंटरचेंज करना है, इन टू और प्लस को, तो 4 प्लस 3 माइनस 9 इंटू 8 डिवाइड 2. 4 9 4 36, 3 7 36, और -7 कितना होगा, 29, यानी -29. तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा. ये क्वेश्चन क्लियर है,
बोर्ड मास यूज करना है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ऐसे ही बोर्ड मास पे चलेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब ये वाला बताओ फिर, ये जो एस्ट्रिक दिया हुआ है ना इक्वेशन में, बताना है कि इस एस्ट्रिक की जगह इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा सिंबल पुट किया, यानी कौन सा साइन पुट किया जाए जिससे आंसर 83 आ जाए, लेकिन सीक्वेंस सेम रहेगा जो ऑप्शन में है। अब वो आपको ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। हमेशा ऑप्शंस में ना पहले डिवाइड और इनटू पुट करके देखना, आइडिया हो जाएगा। नहीं मिला, आंसर इज सी। देखो बहुत जल्दी कैसे करो इसको, 83 हमको चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए में सेकंड पोजीशन पे डिवाइड है, थर्ड पोजीशन पे इनटू है, पहले डिवाइड और इनटू को देखना, यहाँ डिवाइड और यहाँ इनटू होगा, तो देखो ये तो फ्रैक्शन में रह जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये तो फ्रैक्शन में रह जाएगा ना, 4/156 × 13, 1 वाला पहली गया, ठीक है, 1 वाला हो ही नहीं सकता। दूसरे में आते हैं, डिवाइड कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, तो ये डिवाइड, हाँ ये सही है, ये हो सकता है डिवाइड, ठीक है। 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26 हो गया, ये 26 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे लेकिन इंटू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ 12 रहेगा, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 84 + 12 करोगे, राइट, 84 + 12 कितना हो गया, 96 हो गया, और फिर 96 - 11 = 83, नो ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये डिवाइड की पोजीशन सही थी,
डी भी नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइड की जो पोजीशन ये वाली फिर से ले ली है, ये नहीं ले सकता। सी आंसर ऑप्शन बच जाता है, पुट करके देख लो 21 into 4 - 156 by 13 + 11, ये तो 12 हुआ, ये 84 माइनस 12 करना है आपको तो 72 प्लस 11 करना है तो 83 हो गया। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट अब यहाँ ट्राई करो, अब यहाँ इक्वल टू तो लास्ट में इक्वल टू है तो चलो सब में लास्ट में इक्वल टू ही आएगा क्योंकि आंसर 60 चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो सेम वही चीज है, बस इक्वल टू लास्ट में सब में, तो यहाँ पे 60 चाहिए अपने को। डिवाइड और इनटू को सिर्फ चेक करो, यहाँ डिवाइड और यहाँ इनटू आ जाए, अब पहला तो प्लस ही हो रहा है, डिवाइड होगा तो 2 और 24 इनटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 24 into 2 48 प्लस 12 करना है तो 60 पहले से हो गया, हमें बाकी चेक करने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट या थोड़ा सा चेंज करना, प्लस का मतलब डिवाइड, माइनस का मतलब प्लस, इंटू का मतलब माइनस, पहले सारे साइन को चेंज करो, बॉड मास लगाओ, सॉल्व करो। टीयर वन मैम इस बार ऐसे सी है नोटिस में, ऐसा कुछ नहीं है, वो मिनिमम होता है, मिनिमम पासिंग कट ऑफ निकलता है ना मेरिट लिस्ट, मिनिमम आपको उतना स्कोर करना ही है, बाकी कट ऑफ उससे ऊपर जा सकता है, ये चीज होती है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो क्या बोल रहा है, 38 इंटू का मतलब -23, माइनस डिवाइड का मतलब है इंटू, ये हुआ, फिर प्लस 6, माइनस का मतलब प्लस, और फिर ये पूरा डिवाइड, डिवाइड का मतलब इनटू। हम बॉड मास में हमने पहले बोला है ब्रैकेट ओपन, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा इनको, इसको सॉल्व करें तो 8 में से 3 गया 5, 15, 4 3 12, तो ये 3 बचेगा, ये प्लस 6 3 9, 9 9 12, और इसी को डिवाइड इंटू 2 था, 3 6 3 9 डिवाइड बाय इंटू 2, इंटू था डिवाइड 2 था तो इंटू 2 होगा 24 आ रहा है ना। एक मिनट रुको, 24 आ रहे, साइन गलत मैंने पुट किया। इंटू का मतलब हो गया माइनस, अच्छा यहाँ माइनस का जगह पुट ही नहीं किया, माइनस का मतलब है प्लस, ठीक प्लस होता तो प्लस का मतलब था डिवाइड, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो 15 प्लस 12 कितना हो गया, 27 डिवाइड 6 और 3 9 इंटू 2, 9 3 27, 3 into 2 6, यस 6 आएगा, ठीक है। ये वाला क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, हमेशा याद रखो पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन, बॉड मास यही बोलता है, डिवाइड से भी पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला बताओ, या उल्टा पूछ रहा है, कौन से दो नंबर और दो साइन को आपस में बदलने से आंसर 6 आ जाएगा। इसको ऑप्शन से बनाओगे तो ज्यादा इजी है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो यहां पे बी की अगर हम बात करते हैं तो बी क्यू, सबसे पहले आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, ये इनटू को यहाँ पे डिवाइड में चेंज करना है। क्यों? बिकॉज क्योंकि ये इनटू बहुत बड़ा वैल्यू देगा, हमको तो सिक्स चाहिए, तो डिवाइड, और यहाँ पे आप प्लस और माइनस से भी आप वैल्यू ज्यादा बदल नहीं पाओगे। तो पहले तो जहां इनटू और डिवाइड चेंज हो रहा है यानी यहाँ पे हो रहा है, इसको चेक कर लो बस पहले। तो क्या होगा, 150 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 14 माइनस 2 इंटू 9, ये चाहिए ना, ये 10 आया, प्लस 14 माइनस 18 ये कितना हो जाएगा, माइनस 4, 10 माइनस 4 6 आ रहा है। तो यस आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25 चाहिए। देखो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। पहले कैसे चेक करें, देखो 25 और 30 ऑप्शन से चेक करना है, 25 और 30 को आपस में बदल दे, ठीक है, फिर बोलता है इनटू और माइनस। अब 25 इधर चला जाएगा तो 25 6 से डिवाइड थोड़ी होगा, तो फ्रैक्शन रह जाएगी, वैल्यू नहीं हो सकता। उसके बाद 4 6, अच्छा 4 और 6 प्लस माइनस, फिर 4 इधर चला है, 4 भी 30 से डिवाइड नहीं करेगा, ये भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन रह जाएगा। डी वाला पहले देख लेते हैं, 30 और 35, 35 वहां जाके 30 इधर, डिवाइड और माइनस यानी यहाँ पे डिवाइड और यहाँ माइनस, यानी यहाँ 30 आ जाए तो फ्रैक्शन रह जाएगा। तो बचा कौन, सी वाला, मतलब जो सही है वो आपसे सॉल्व होगा नहीं, जो गलत है वो आराम से आप एलिमिनेट कर पाओगे, हमेशा ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से पढ़ना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखो यहाँ पे क्या करना था, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं बनेगा थ्री और एट को चेंज करके, यानी यहाँ पे थ्री लाना है और यहाँ पे एट ले आए तो आंसर नाइन नहीं आ रहा ऐसा है इसमें। तो पहले तो डिवाइड होगी, डिवाइड करें तो टू टू थ्री टू जा सिक्स और आठ सात कितना हो गया 15। 15 माइनस 6 यहाँ तो सही हो रहा है, ये तो करेक्ट है। यहाँ पे थ्री और एट को करते हैं तो यहाँ पे एट और यहाँ थ्री आ रहा है। पहले तो डिवाइड होगा, थ्री 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 से नाइन और एट प्लस माइनस वन सेवन, 9 प्लस 8 एक्सेल ये 3 × 3 9 हो गया ये यहाँ तक, ये पहले डिवाइड और इंटू, ठीक है, उसके बाद प्लस 7 तो 16 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 17 दिया है तो ये सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नॉट करेक्ट पूछा था ना आपसे। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। करेक्ट होगा डिवाइड और प्लस एक्स इंटरचेंज करने के बाद। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। अब यहाँ देखो सिर्फ डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करना था आपको, इंटरचेंज करके चेक करना था। तो ऑप्शन सी में जो है पहले यही डिवाइड होगा, फिर इंटू होगा, फिर प्लस माइनस सॉल्व होगा। प्लस ना माइनस में आप माइनस को पहले प्लस को बाद में भी कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवाइड इंटू में पहले डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ही आंसर मिल गया इसलिए, है ना। तो इक्वेशन में हमेशा पहले डिवाइड और इंटू, हमेशा डिवाइड और इंटू। डिवाइड से अगर अगर इनसे फ्रैक्शन बच गया तो फिर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें 42 चाहिए। तो पहले डिवाइड होगा तो ऐसे होगा ना, 35 × 5/7, 7 × 5 = 25 हो गया, −2 + 19, तो 23 + 19 करना था तो 42 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एक्स ओन इक्वेशन ही मिसिंग हो गया। अच्छा ये वाले पे आओ, कट कर देना इसको। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ।
आंसर इज ऑप्शन ए। देखो बोल क्या रहा है, 6 और 20 इनको आपस में बदलना है, इनटू अ डिवाइड को आपस में बदलना है, यानी कि 7 29 डिवाइडेड बाय 20, सॉरी डिवाइडेड बाय 81 इंटू 20। अब आपको पता है 729 81 इतना अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होता है, 9 9 81। क्योंकि 9 का स्क्वायर और ये 9 का क्यूब है, तो 9 बचन 180 हो गया ये, राइट। सॉरी 20 और 6 ना, ये 6 हो जाएगा, 9 6 54, ठीक है। अब यहां पे क्या बचा, प्लस 16 माइनस माइनस 20। अब 16 माइनस 20 यानी कि माइनस 4 आया, माइनस 4 का मतलब 54 माइनस 4 तो 50 आ रहा है, तो यस ऑप्शन ए से ही अपना काम हो गया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से दो इक्वेशन, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहां देखो, आपको इनटू और माइनस को चेंज करना है, 8 और 4 को चेंज करना है, ठीक है। 8 और 4 इनटू और माइनस चेंज करके देखो क्या 3 आ रहा है क्या, 8 प्लस यहाँ पे तो 4 यहां आएगा, तो 3 और इंटू यहां आएगा, तो मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा, 8 प्लस 3 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 1, और डिवाइड बाय 1 है तो मतलब वो तो 2 ही रह गया, ठीक है। 2 4 8, 8 9 10 11, 11 में से आए 8, 3 तो आ ही रहा है, सही तो हो ही रहा है, 4 और 8 होगा, इंटू और माइनस होगा, ठीक है, इंटू की जगह माइनस और माइनस की जगह इंटू आ गया, 8 और 4 आपस में किया इंटरचेंज, तो 8 9 10 11, 4 2 8, फर्स्ट भी तो सही हो रहा है, बोथ आ रहा है क्या सबका आंसर, एक बार बताना तो कुणाल, दूसरा वाला एक बार देख लेते हैं, 8 की जगह 4,
फोर की जगह एट, इंटू की जगह माइनस, माइनस की जगह इंटू, मतलब डिवाइड होगा थ्री, एट टू जा सिक्सटीन, ये आया। फोर माइनस सिक्सटीन करेंगे तो माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री, तब तो ये माइनस में आ रहा, ओनली वन होना चाहिए, ओनली वन, ओनली वन आना चाहिए था। ठीक है चलो नेक्स्ट आओ। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देखते हैं कैसे। ठीक है अब प्लस और माइनस को इंटरचेंज करने के बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, प्लस और माइनस को बस, ये टू सिक्स टू जो ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस फाइव और माइनस नाइन, ट्वेल्व माइनस फाइव किया तो कितना हुआ, व्हेन सेवन प्लस नाइन सिक्सटीन, ये तो सही है। सिर्फ देखिए प्लस और माइनस करना है, तो यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा, तो पहले तो डिवाइड होगा थ्री, तो ये कुछ ऐसा होगा फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री, इसको कहें तो फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व थ्री प्लस थ्री सिक्स, ये भी सही है। डी वाला में देख लो प्लस और माइनस सिर्फ करना है, तो पहले तो फाइव टू जो टेन, टेन प्लस फोर फोर्टीन, और थ्री माइनस फोर्टीन करेंगे तो नाइन आ रहा है, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। सी वाला एक बार प्लस माइनस देख लेते हैं, ये प्लस और ये माइनस अगर है तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, ट्वेल्व हो जाएगा डिवाइड हो गए, थ्री टू जो सिक्स प्लस ट्वेल्व माइनस एट, यही हुआ ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन, एटीन माइनस एट टेन आना चाहिए, तो सी वाला आपका गलत है। नेक्स्ट अभी क्लियर, कुणाल किसका ये पूछ रहे हो, किसका ये नहीं होगा,
आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, पिछले वाला। अब यहां देखो क्या बोल रहा है, इंटू और डिवाइड, सेवन और नाइन को आपस में बदलना है, कौन सा करेक्ट होगा? इंटू डिवाइड और सेवन और नाइन, तो अब तो समझिए बॉड मास यूज करना है, ऑप्शंस को चेक करना है। चलो नेक्स्ट, इक्वल टू 60 से चाहिए। अब ये देखो, आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं आप इसको। तो सबसे पहले हमको 60 चाहिए, सब में इक्वल टू 60 है, ठीक है। इन सब में देखो प्लस माइनस ही है। ओके, तो मतलब पहला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो माइनस यहाँ पहला माइनस हम करेंगे अगर इन दोनों को, तो हमारे पास 65 और 45, तो कितना बचेगा? 20 बचेगा, ठीक है। फिर क्या करना है, 20 को प्लस करना है 25 में, तो ये 45 हो जाएगा। 45 को क्या करना है, माइनस करना है, तो 40 हो जाएगा। फिर 40 में 35 प्लस करना है, चांस ही नहीं है। अब यहाँ इंटू आ गया, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू दे देगा, कोई चांस नहीं। यहाँ भी प्लस माइनस है। अब पहले प्लस करना होगा, तो ये तो मतलब 110 हो जा रहा है। 110 में से 25 माइनस करना है, 10 किया 15, यानी 85 हो जाएगा। 85 में 5 ऐड किया तो 90 हो जाएगा। 90 से 35 माइनस पे 60 तो नहीं आ सकता, ये भी ना। अब बचा ये वाला, इसमें बोला है, अब जो लास्ट में बचा वही आंसर ही होता है, माइनस प्लस डिवाइड और प्लस, यही ना। तो पहले तो डिवाइड होगा तो ये 5 बन जाएगा, ये माइनस होगा तो 20 प्लस 25, नहीं सॉरी, 20 प्लस 5 प्लस 35, ये हुआ 25 प्लस 35, यस 60। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी कैसे होगा, देखो समझ में आया कुणाल? नेक्स्ट, अरे प्लस माइनस में गलती नहीं करना बस।
आंसर इज ऑप्शन डी, ये वाला सही हुआ। ठीक, अब यहां देखो इनटू और प्लस को इंटरचेंज करना है फाइव और फोर को, ठीक है, यानी कि यहां इनटू, यहां प्लस, यहां फाइव और यहां फोर, ठीक है। तो फाइव इंटू सिक्स प्लस फोर माइनस सेवन डिवाइड बाय वन है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहले इंटू फाइव सिक्स थर्टी प्लस फोर थर्टी फोर, थर्टी फोर माइनस सेवन चार तीन सत्ताईस, यस पहला सही। अब पहला निकाल लिया तो काम हो गया, दूसरा फाइंड आउट करने की वैसे भी जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो सॉल्व करते हैं। फाइव और फोर ना, यहाँ फोर, यहाँ फाइव, यहाँ पे प्लस और यहाँ इंटू, तो थ्री माइनस एट डिवाइड बाय टू, पहले डिवाइड होगा तो ये फोर, फोर फाइव से ट्वेंटी, चार तीन सात, सात माइनस बीस यानी माइनस थर्टीन, तो बिल्कुल सही है आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले ही बोला कि आज रीजनिंग से ज्यादा आपको मैथ्स की क्लास लगेगी, ये पूरा मैथ्स के ऊपर था, बॉर्ड मास, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो सिंप्लीफिकेशन में बॉर्ड मास, बस वही चीज को यूज करके रीजनिंग में लाया गया है। बैंकिंग वगैरह में आप ज्यादा पढ़ते हो सिंप्लीफिकेशन का, बॉर्ड मास जो पढ़ते थे उस पर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो यहाँ रीजनिंग में, एसएससी में वही चीज जो पढ़े हो आप वही चीज यहाँ आ जाता है बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग कहते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। कीप इम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू।